70 मिनट, केवल 70 मिनट है तुम्हारे पास। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप लोगों ने भी मूवी का ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा। तो आज मेरे पास भी केवल और केवल 45 मिनट्स हैं, और इन 45 मिनट्स में मुझे 2 केक्स बना करके देने हैं। और ये दोनों के दोनों केक्स बेकरी के केक ऑर्डर से मेरे पास। पिछली बार जब मैंने बेकरी के केक जो मैंने बेकरी के लिए बनाए थे वो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, और मुझे कमेंट में बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैं और भी ऐसे केक शेयर करूं जो मैं बेकरी के लिए बनाती हूं। और इसीलिए आज भी इस लाइव क्लास में, अभी अभी आपने शुरुआत में जो देखा, वही केक्स मैं लाइव बना करके अपनी किचन में ले करके जाऊँगी बेकरी में लाइव। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे 45 मिनट में 2 केक कैसे बन जाएंगे। बनेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल बनेंगे, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। और ये दोनों केक्स मैंने बहुत ही कम प्राइस में बनाए थे। तो एक्चुअली ऐसा हुआ क्या, मुझे क्यों इतनी जल्दी में केक्स बनाने पड़े, और कितनी कॉस्ट इनको बनाने की मेरी आई, कितने में मैंने बेकरी को दी, और बेकरी ने कस्टमर्स को कितने में सेल किया, क्या वेट है इनका, सारी चीज़ें बताऊंगी इस वीडियो में आपको। सो पूरा ज़रूर देखिएगा इस लाइव क्लास को, और शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि आज एकदम फटाफट वाले 2 केक्स मुझे बनाने हैं, इसलिए मैं प्रॉपर ओवन वगैरह में बेकिंग नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें तो बेकिंग में ही 30 मिनट लग जाएंगे। मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम वाला 7 इंच का पैन लिया हुआ है, और ये एक नॉनस्टिक पैन है। अगर आपके पास नॉनस्टिक पैन नहीं है तो भी आप उसमें केक बेक कर सकते हैं। जस्ट दैट ध्यान रखिएगा कि बॉटम उसका हैवी होना चाहिए। सो इस पैन में सबसे पहले मैंने इको बेक पेपर डाला है बेस पे इसके, इसी के साइज़ का, और मैंने इनफैक्ट 2 पेपर डाले हैं, क्योंकि मैं डायरेक्ट इसमें बेकिंग करूँगी तो ये जले ना, इसलिए इको बेक से ना केक चिपकता नहीं है, बहुत अच्छे से बेक होता है, और कुकिंग एंड बेकिंग के लिए ये पेपर परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, केक बेकिंग के लिए पैन हमारा तैयार हो चुका है, इसको अभी के लिए साइड में रखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, बेकिंग की तैयारी के लिए, क्योंकि मुझे 2 केक्स यहाँ पे बनाने हैं वो भी फटाफट, तो सबसे पहले मैं प्रीमिक्स से केक बना रही हूँ। मैदे से आप कैसे केक बनाएंगे ये मैं आगे आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1/3 कप वनीला केक प्रीमिक्स लिया है। 1/3 कप मतलब 6 बड़ा चम्मच, 60 ग्राम प्रीमिक्स होगा मेरे हिसाब से। इसमें मैंने डाले हैं 1 टेबल स्पून ऑयल, और साथ ही 1/4 कप पानी मिक्स किया, जिससे कि इसका अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो गया। और अभी जो हमने पैन तैयार किया था उसमें एक साइड हमने ये वनीला केक वाला बैटर डाल लिया है, हल्का सा एकदम फैला लिया। अब सेम बोल में मैंने फिर से 1/3 कप चॉकलेट केक प्रीमिक्स डाला है, इस पर भी मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला, थोड़ा सा पानी डाला 1/4 कप, मिक्स किया, और इसका भी बैटर बन गया। अब फ्रेंड्स, जो बची हुई जगह है पैन में हमारे, वहाँ पर मैंने ये चॉकलेट केक वाला बैटर डाल दिया। अभी क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा फैला लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक चीज़ है, जो चॉकलेट केक का बैटर है ना, वो मैंने थोड़ा सा कम भर के लिया था, मतलब ऊपर तक नहीं भरा था, तो ये 50 ग्राम होगा, और वनीला केक वाला बैटर आई थिंक 60 ग्राम होगा। सो अभी हमने क्या किया है, गैस एकदम धीमी करी हुई है, एकदम सबसे लोएस्ट मोड, उसके ऊपर डायरेक्टली हमने रख लिया है हमारा पैन, उसको मैंने ढक लिया है ढक्कन से, और जो होल है एक तरफ ढक्कन में वहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम फॉइल फोल्ड करके लगा दी है, ताकि बाहर इसके गैस ना निकले और ये ओवन की तरह बेक हो। सो फ्रेंड्स, अब आपको चाहिए केवल और केवल 10 मिनट इस केक को पकाने के लिए। और फ्रेंड्स, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा लगेंगे तो 12 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अभी मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप मैदे से सेम केक बनाना चाहते हैं तो 1/4 कप मैदा लीजिएगा, 2 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर, 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 2 चुटकी बेकिंग सोडा। सारी चीज़ें मिक्स करके एक तरफ रख लीजिएगा। फिर एक अलग बर्तन में लीजिएगा 2.5 टेबलस्पून मिल्क, उसमें डालिएगा 1/2 टीस्पून विनेगर, मिक्स करके 5 मिनट के बाद उसमें डालिएगा 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कीजिएगा, और जो हमने ड्राई वाले इंग्रेडिएंट पहले रखे थे उनको इसमें मिल्क वाले इंग्रेडिएंट में मिक्स कर दीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लीजिएगा कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। और इस तरीके से आपका वनीला केक का बैटर बन जाएगा मैदे से। और कोको पाउडर वाला बैटर बनाने के लिए इसी में आपको 2 टीस्पून कोको पाउडर भी ऐड कर देना है। ना फ्रेंड्स, इतनी ही देर में 10 मिनट हो गए हैं, और मैंने चेक किया है तो ये देखिए हमारा जो केक है वो बिल्कुल अच्छे से फूल चुका है। तो मैंने चेक किया इसमें टूथपिक प्रिक करके, बिल्कुल क्लीन बाहर आई, और ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक हमारा बना है। अभी हम क्या करेंगे, इसको लेकर के अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अभी तक केवल 10 मिनट हुए हैं, मैं आपको टाइम भी अच्छे से बताते चलूँगी, ताकि विद प्रूफ आप देखें कि आप 45 मिनट्स के अंदर कैसे केक कंप्लीट कर लेते हैं।
तो अभी मैंने यहाँ पे ली हुई है चॉकलेट कंपाउंड और करीब 40 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड मैंने फटाफट चॉप कर ली है। इसको मैंने एक पैन में डाला है और साथ ही इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून मिल्क। दोनों चीज़ों को मिक्स करते हुए धीमी आंच पे हमने इसको मेल्ट कर लेना है और इस पूरे प्रोसेस में लगे होंगे मुश्किल से 3-4 मिनट। अभी इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। नाउ फ्रेंड्स, 1 कप एकदम ठंडी व्हिपिंग क्रीम मैंने एक मिक्सिंग बोल में डाली है और ये है करीब 220 ml व्हिपिंग क्रीम। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 केक बनाने के लिए 200 ml व्हिपिंग क्रीम जनरली लगती है। मेरे इस कप में 20 ग्राम ज़्यादा आती है तो मैंने पूरी ही डाल ली है। कहने का मतलब 1 केक के लिए 100 ml व्हिपिंग क्रीम लगेगी यहाँ पे। और अभी हमने लिया है अगारो का इलेक्ट्रिक बीटर जो कि 300 वाट का होता है। बहुत पावरफुल मोटर होती है इसलिए क्रीम बहुत जल्दी इससे व्हिप होती है। इसके अलावा भी आप हर तरीके की चर्निंग मिक्सिंग वगैरह कर सकते हैं, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अभी विदिन 5 मिनट्स ही इसमें स्टिफ पीक्स बनने शुरू हो गए हैं तो हमारी क्रीम बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। तो इससे आधी व्हिप क्रीम हमने निकाल करके एक अलग बोल में रखी है। बची हुई आधी क्रीम जो है उसमें हमने अभी तक ठंडा हो चुका गनाश ऐड किया है। केवल 3 टेबलस्पून गनाश मैंने यहाँ पे बचाया है। तो फ्रेंड्स, अभी शुरू कर देंगे हम हमारे केक की फ्रॉस्टिंग। लेकिन उसके लिए, क्योंकि अभी तक हमारा केक ठंडा हो चुका है, तो पैन ले करके मैंने एक कटोरी ली है जो कि करीब 3.5 इंच की होगी। उससे मैंने दो जगह पे वनीला केक में एंड चॉकलेट केक में निशान लगा लिए हैं। तो 2 निशान जो लगाए हैं उनसे बनेगी लेयर। तो गाइज, यहाँ पर ना होगा क्या कि जो भी चॉकलेट केक के स्पॉन्ज और वनीला केक के स्पॉन्ज बचे हुए हैं वो आपको फेंकने नहीं है, अभी ये लेयर्स में काम आएंगे। और जो थोड़ा सा वनीला केक आया है चॉकलेट केक के साइड पे, उसकी जगह पे हम बचे हुए चॉकलेट केक को ही यूज़ करेंगे फ्रॉस्टिंग में। सो फ्रेंड्स, ये मिनी केक्स ना 150 ग्राम से लेकर के 250 ग्राम तक के हो सकते हैं। बहुत सारे शेप्स में आते हैं। जैसे आज ये जो बेंटो केक्स मैंने बनाए हैं, ये दोनों आई थिंक 200 ग्राम के करीब, ऑलमोस्ट 200 ग्राम के करीब थे। ना फ्रेंड्स, ये बेंटो केक या मिनी केक्स बनाने के लिए ना बहुत सारे तरीके के आजकल मोल्ड्स आने लगे हैं और इसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो होता है 4 इंच का। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इससे भी छोटे आजकल केक्स बनने लगे हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके का मोल्ड नहीं है, तो अगर आपके पास घर पे कोई कटोरी है ना, जिसका फ्लैट बेस है और ऑलमोस्ट इतनी ही बड़ी है, जैसे ये भी 4 इंच की ही कटोरी है, आप मेरी तरह पैन में बना सकते हैं। अब ये तो नॉन स्टिक पैन है, अगर आपके पास स्टिक होने वाला पैन हो भारी तले का, लेकिन आपको लेना है, ये ध्यान रखना है, तो भारी तले का पैन ले लीजिए, उस पर डबल या ट्रिपल लेयर पार्चमेंट पेपर की डालिए, उसमें केक बना लीजिए, वो अच्छे से बनेगा। उसके बाद आप कोई भी कटोरी या ढक्कन लेकर के उसमें कट्स लगा दीजिए और उन्हीं की फ्रॉस्टिंग कर लीजिए। और इस तरीके से बिना आपके एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हुए आप बहुत ही अच्छा पेंटो केक बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं फ्रॉस्टिंग। सबसे पहले हमारे वनीला केक की, जिसे हम देंगे ब्लूबेरी केक का फ्लेवर। तो किसी भी केक बोर्ड पे आप ले लीजिएगा, क्योंकि अभी हम इसको हटाएंगे केक बोर्ड से। उस पर थोड़ी सी क्रीम रखी, पहली लेयर रखी है स्पॉन्ज की, उसमें हमने शुगर सिरप मीठा पानी डाल करके थोड़ा सा मॉइस्ट किया, क्रीम फैलाई और इसके ऊपर हमने डाल दिया है ब्लूबेरी क्रश। तो फ्रेंड्स, ब्लूबेरी क्रश ना किसी भी केक मटेरियल शॉप में आसानी से मिल जाएगा, अच्छे अमाउंट में डालिएगा, इससे बहुत अच्छा ब्लूबेरी का फ्लेवर आएगा आपके केक में। फिर हमने रखी है केक की दूसरी लेयर, और फ्रेंड्स मैं भूल गई थी, मैंने प्रॉपर वाली लेयर रख दी तो मैंने हटाया उसको, और जो हमारे छोटे छोटे पीसेस बचे हुए थे वनीला केक के, वो मैंने लेकर के फिर एज सेकेंड लेयर रखा है, मॉइस्ट किया है, इस पर क्रीम लगाई है। तो फ्रेंड्स, बेकरीज में भी ऐसे किया जाता है, चाहे बड़े केक हों या छोटे। यहाँ तो मैंने छोटे वाले केक में इसलिए यूज़ की है ये, क्योंकि मैं फटाफट वाला केक बना रही थी, लेकिन बेकरीज में बड़े बड़े केक्स में भी प्रॉपर लेयर्स लगाते हैं जो बचे हुए स्पॉन्ज के टुकड़े होते हैं उनसे, क्योंकि बेसिकली केक बनाने का आपका एम यही होता है कि उसका टेस्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, उससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। चलिए जी, दूसरी लेयर पे भी हमने ब्लूबेरी क्रश डाल दिया है ढेर सारा, उसके ऊपर रखी केक की फाइनल लेयर, इसको मॉइस्ट किया, क्रीम लगा करके सबसे पहले क्रम कोटिंग जैसे की, और उसके बाद में आपको इसे स्मूथ करना है। फ्रेंड्स, स्मूथिंग के लिए, क्योंकि ये हल्का केक है इसलिए आपको केक बोर्ड के नीचे एक गीला टिश्यू पेपर लगाना पड़ेगा ताकि आपका केक बोर्ड लेफ्ट राइट ना भागे। उसके बाद केक स्क्रैपर से आपको इसकी स्मूथिंग करनी है साइड्स पे और केक टॉप पे, एक स्पैचुला से करेंगे और ब्रश से स्वर्ल इफेक्ट क्रिएट कर देंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसकी स्मूथिंग को नहीं दे रही हूँ और फिर स्मूथिंग में लगता है टाइम। केक साइज पे मैंने केक कोम से भी डिज़ाइन से बना दी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताती चलूँ कि आज ना ये केक ऑर्डर मैंने इतनी जल्दी में क्यों कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, बेकरी से मुझे कॉल आया था कि मैं 2 बेंटो केक उनको दूँ, उन्हें ऑर्डर आए थे। एक्चुअली मैंने कल भी 3 बेंटो केक्स बनाए थे, बट उनकी मैंने वीडियो नहीं ले पाई एक्चुअली, तो
बेकरी में फ्रेंड्स ये बेंटो केक वाला सेक्शन मेरे कहने पे ही स्टार्ट हुआ था, क्योंकि बहुत सस्ते जाते हैं, केक क्यूट होते हैं, लोग बहुत परचेज़ करते हैं। तो आज मुझे काफ़ी काम था, मुझे एक फ्रेंड के यहाँ पार्टी में जाना था, तो इसलिए मैंने केक ऑर्डर आज नहीं लिए थे। लेकिन जब ये वाला ऑर्डर आया तो मैंने सोचा मैं इसे बहुत फटाफट 45 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगी, और इसलिए मैंने ये केक ऑर्डर ले लिया। फ्रेंड के यहाँ मुझे एक घंटे बाद जाना था, रास्ते में मैं ये डिलीवर करते हुए बेकरी में जाऊँगी, और इसीलिए मैंने फटाफट ये केक बनाया है। तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको भी अचानक से जल्दी जल्दी केक बनाने पड़ जाते हैं। अगर आप होम बेकर हैं तो अर्जेंट ऑर्डर के केस में, अगर आप बेकिंग का शौक रखते हैं तो मान लीजिए अचानक से किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो कैसे आप एकदम फटाफट वाला क्यूट सा केक बना सकते हैं, ये शेयर करने के लिए मैंने आज आपसे ये वीडियो शेयर किया था। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम लेकर के पर्पल जेल फूड कलर डाला है मैंने उसमें, और एक स्टार शेप की नोजल वाली पाइपिंग बैग में मैंने ये पर्पल क्रीम डाल दी। बची हुई थोड़ी सी वाइट क्रीम में मैंने ब्लू जेल फूड कलर डाला, जिससे कि एक लाइट बैंगनी जैसी क्रीम बन गई है। इसको भी मैंने एक क्लोज स्टार शेप वाली नोजल में डाला है, किसी भी स्टार शेप की नोजल में आप डाल लीजिएगा। और फ्रेंड्स क्रीम को और जो केक की फ्रॉस्टिंग हुई दोनों को आप जा करके सेट होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। अभी हम करेंगे चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए सबसे पहले एक केक बोर्ड पे मैंने ये चॉकलेट क्रीम लगाई है, पहली लेयर रखी केक की, इस पे हमने लगा दी है चॉकलेट क्रीम, और फ्रेंड्स इसको बराबर किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना चॉकलेट केक के केवल दो ही लेयर्स रहेंगी, क्योंकि जो 40 ग्राम चॉकलेट का गनाश हमने बनाया उसका भी वेट आएगा इस केक में, जो कि पहले वाले केक में नहीं था। तो फ्रेंड्स क्रीम लगाने के बाद मैंने दिसानो का पीनट बटर लिया है, और इसमें मैंने ऐड किया है एक चम्मच गनाश जो हमने बचा करके रखा था वो, जिससे कि चॉकलेटी फ्लेवर का पीनट बटर बन जाएगा। दिसानो का ये पीनट बटर एकदम हेल्दी होता है, इसमें कोई भी एडेड फ्लेवर नहीं होता है, तो इसे मैं खाने में काफ़ी यूज़ करती हूँ। इसके बाद हमने केक की दूसरी लेयर रखी है यहाँ पे, इसको भी मॉइस्ट कर दिया शुगर सिरप से, इस पर भी क्रीम लगा ली है अच्छे से, और फिर हम इसकी स्मूदिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बताया ना आज मुझे पार्टी जाना था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी केक बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स कौन सी पार्टी थी, क्या था, ये सारी चीज़ें मैं आपसे अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ अपने दूसरे व्लॉग चैनल, जिसका नाम है बिंदास शिवी व्लॉग। आप चाहें तो YouTube पे बिंदास शिवी व्लॉग्स नाम से सर्च कर सकते हैं, आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज़ लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा मेरा नया चैनल बिंदास शिवी व्लॉग्स, उसमें रेगुलर बेसिस पे मैं अपनी लाइफ के काम के व्लॉग शेयर करती हूँ, और आप सभी से अपनी लाइफ से डायरेक्टली कनेक्ट करती हूँ। तो ज़रूर देखिएगा बिंदास शिवी व्लॉग्स, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो सर्च करके भी देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स स्मूदिंग हो गई है हमारे चॉकलेट केक के भी, इसको जाकर के अभी फ्रिज में रख देंगे, और ब्लूबेरी केक हम बाहर निकालेंगे। तो जो हमने क्रीम रखी थी कलरफुल वाली, उसमें से पर्पल क्रीम से स्टार शेप नोजल से हमने तीन रोजेस बना लिए, और बाकी जो लाइट कलर वाली क्रीम है उससे ड्रॉप ड्रॉप्स रख लिए। फिर फ्रेंड्स जो गनाश हमने थोड़ा सा बचाया हुआ था उससे हमने ड्रिप्स बना लिए हैं, सुंदर सा केक दिखे इसलिए थोड़े से स्प्रिंकलर्स भी डाले हैं रोजेस पे। तो फ्रेंड्स केक छोटा है इसलिए हम उसे एवी नहीं छोड़ेंगे, उसकी भी सुंदर ही डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जब सुंदर दिखता है ना केक तो सेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारा ये केक बन गया है, जा करके फ्रिज में रख दीजिए। निकाला अब हमने हमारा चॉकलेट केक, और जो बचा हुआ गनाश था उसमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिल्क ऐड कर लिया था गर्मा गर्म, जिससे कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो गई थी। इसको हम केक के ऊपर डालेंगे और स्पैचुला से हल्का सा फैलाएंगे तो नेचुरल ड्रिप्स बन जाएंगे। अभी मैंने छोटे वाले रोज़ पेटल शेप की नोज़ल ली है, फ्रेंड्स इसमें कोई नंबर नहीं है, छोटा रोज़ पेटल नोज़ल ही कहते हैं इसको, और एक टूथपिक के बॉटम पे ये देखिए मैंने स्वर्ल बनाया, और उसके आसपास पत्तियां जैसी बनाई हैं, पेटल जैसी, एक पेटल उसके ऊपर से दूसरी फिर तीसरी, ऐसे करके एक टाइनी सा बटन रोज़ के जैसा बना दिया। जाकर के टूथपिक को प्रिक किया केक के सेंटर पे, जिससे कि रोज़ उसी पे सेट हो जाएगा, और इस तरीके से हमने इसमें चार रोज़ेस बना करके रख दिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे वाले, चार पाँच जितने भी आपको पसंद आए। इन पे भी हमने एक एक गोल्डन बॉल रख दी है और थोड़े से स्प्रिंकलर्स आसपास डाल दिए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे चॉकलेट केक भी तैयार हो गया, दोनों केक्स तैयार हैं फ्रेंड्स, और अभी मैं इनको उठा करके एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर रख दे रही हूँ, जो मैंने इन्हीं के लिए काटा हुआ था। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके लिए केक बोर्ड ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पैसे बढ़ाना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा आप पैसे इसमें बढ़ाएंगे मेकिंग में, वो फिर कॉस्ट में भी आपके इंक्रीज़ कर देंगे, केक की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और कस्टमर को अगर थोड़ा सस्ता केक दो, अच्छा केक दो, तो वो भी खुश होते हैं। एज सच डब्बे में तो हमें रखना ही है इसको। तो फ्रेंड्स दोनों हमारे केक्स बन चुके हैं, बहुत ही सुंदर केक्स लग रहे हैं दोनों, इतने क्यूट इतने प्यारे कि मैं क्या बताऊं। तो अभी बेंटो केक बॉक्स मैंने यहाँ पे लिया है, इन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं बेंटो बॉक्स वगैरह। और मैंने दोनों के दोनों केक्स को ट्रांसफ़र कर दिया है एक एक बेंटो बॉक्स में, और बस लेके हम चल दिए हैं इसको बेकरी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ना
मैंने एक बड़ा वाला बॉक्स भी लिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें भी केक है, ये भी ऑर्डर का ही केक था जो मैंने कल रात में बनाया था। तो अगर इस केक की भी आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इस केक की भी वीडियो आपसे शेयर कर दूंगी। अभी फ्रेंड्स मैं पहुंची हूँ बेकरी और जैसे कि आप देख सकते हैं ये भैया पहले से इंतज़ार कर रहे थे। केक लेकर के इमीडिएटली उन्होंने बॉक्सेस ओपन करके प्लेस कर दिए हैं केक को डिस्प्ले बॉक्स में और हो गया मेरा आज का काम। एंड फ्रेंड्स मैं फटाफट आपको टाइमिंग बता दूं, 3 मिनट मुझे लगे बैटर बनाने में, 10 मिनट बेकिंग में, 8 मिनट क्रीम तैयार करने में, 3-4 मिनट गनाश वगैरह तैयार करने में, ये टोटल मिला करके हो गए 21 मिनट। एंड देन फ्रेंड्स 20 मिनट मुझे लगे होंगे केक की फ्रॉस्टिंग में और उसकी डेकोरेशन में, तो टोटल मिला के 41 मिनट्स हुए। तो फ्रेंड्स 4 मिनट्स एक्स्ट्रा मान लेते हैं कि इधर उधर हो गए होंगे, तो 45 मिनट्स में हमारे दोनों केक्स बनके तैयार हो गए। तो फ्रेंड्स जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे केक के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और ये दोनों केक्स, हर एक केक का वेट होगा करीब करीब 200 ग्राम के आसपास। सो फ्रेंड्स बेकरी को मैंने ये दोनों केक्स दिए 90-90 रुपीज़ ईच में और बेकरीज को आई थिंक 130-140 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से सेल करती है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी लाइव क्लास, अगर आई है पसंद तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।